बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जॉब सर्विस पाकिस्तान चैनल में खुश आमदी। दोस्तों पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस PTS में जो जॉब्स आई हैं सिंध पुलिस डिपार्टमेंट IT कैडर में, दोस्तों इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो तमाम पास पेपर शेयर करूंगा जो 2019 में जॉब्स आई थी और जो टेस्ट हुआ था 21/7/2019 को, जो इससे पहले जॉब्स आई थी PTS के अंदर, तो वो सारा मैं आपसे पास पेपर शेयर करूंगा। दोस्तों वो टॉप क्लास MCQs हैं जिनको आपने लाजमन स्टडी करनी है और ये सवालत आपके टेस्ट में लाजमन आएंगे इंशाल्लाह। ये वीडियो आपके सामने इस YouTube चैनल पर मौजूद रहेगी। जब आप लोग अपना ये टेस्ट देकर आएंगे तो उसके बाद आके आप लोगों ने बताना कि सर इस क्वेश्चनों में से आपकी टेस्ट में कितने क्वेश्चन आए या इस टाइप के क्वेश्चन आए या नहीं आए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों अगर हम इसके अंदर हम बात करें कि आपका पेपर किस टाइप का आएगा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को चीज़ शेयर करता चलूँ, इसके अंदर जो 1200 प्लस जॉब से आपका 70% कंप्यूटर आएगा और आपने 70% कंप्यूटर की मुकम्मल तैयारी करनी है। जब तक आप लोग 70% कंप्यूटर की तैयारी नहीं करेंगे आप लोग इस रिटन टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर 0.5 मतलब के 0.25 आपके नेगेटिव मार्क्स हैं। तो जो क्वेश्चन आपको आए आपने यहाँ पर वही सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों आए हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह इसके अंदर हम तमाम वो पास पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। दोस्तों अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हो और आप लोग परेशान हो गए सर हमें टेस्ट की तैयारी करनी है, अभी तक हमें कोई भी बुक समझ में नहीं आ रहा और आप हमें कौन सा बुक रिकमेंड करेंगे, तो दोस्तों हमारे पास इस स्टडी के लिए एक मुकम्मल किताब है और ये टोटली पास पेपर MCQs है, जिसका नाम है कंप्यूटर पास पेपर IT MCQs फार्मूला, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के वो अहम तरीन सवाल दिए हैं जो हर टेस्ट में आते हैं। इसके अंदर MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, इस्लामिक पाकिस्तान स्टडी, इंग्लिश और GK के वो टॉप क्लास MCQs हैं जो आपकी टेस्ट में, रिटन टेस्ट में आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों इस बुक के साथ साथ आपको फ्री के अंदर 30 दिन का एक सपोर्ट प्रोग्राम भी दिया जाएगा, जिसके अंदर मैं खुद आप लोगों की हेल्प करूंगा। और इसको बुक को मंगवाने का सिंपल तरीका है, सिर्फ इसकी जो प्राइस है वो 999 रुपीज़ रखी गई है और इस बुक को मंगवाने के लिए आपने जस्ट 0300-277-7707 इस नंबर पर कॉल करनी है और अपना ऑर्डर बुक करवाना है। दोस्तों अभी हम बात करते हैं टॉप क्लास MCQs के, तो अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा आता है, वो आता है ये कॉमन क्वेश्चन है और ये लाजमन आपकी हर टेस्ट में आते हैं, तो ये चीज़ें आपने लाजमन रीड करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है WWW स्टैंड फॉर, जो WWW है अक्सर टेस्टों में आता है उसको क्या कहा जाता है, उसका जो राइट आंसर है वो क्या है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन D, वर्ल्ड वाइड वेब इसको कहा जाता है। WWW स्टैंड फॉर, इसका राइट आंसर है D। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, CPU को क्या कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, A, B, C या D। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन B, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट भी इसको कहा जाता है, इसका राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें हमारे पास जो क्वेश्चन आता है थर्ड नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर इज़ रैम लोकेटेड, मतलब कि रैम कहाँ पर, रैम कहाँ पे होती है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो कंप्यूटर के माहिर हैं, जो उसके अंदर हार्डवेयर का काम भी करते हैं, तो वो लोग समझ जाएंगे कि मदरबोर्ड किसको कहते हैं। दोस्तों जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है वहाँ पर रैम लगी होती है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है C, वेयर इज़ रैम लोकेटेड। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आए तो टेस्ट में वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है C, मदरबोर्ड में रैम होती है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, इफ़ ए कंप्यूटर हैज़ मोर देन ए वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज, अगर एक कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हों तो उसको आप क्या कहेंगे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है B, पहला आता है यूनिप्रोसेस, मल्टी प्रोसेसर्स, मल्टी थ्रेड एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है B, मल्टी प्रोसेसर इसको कहा जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो ये है। उसके बाद अगर हम बात करें इफ़ ए कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ डेटा बेस सर्विसेज टू अदर देन इट विल बी नोन एज, जो कंप्यूटर डेटा बेस प्रोवाइड करता है दूसरे कंप्यूटर में इसको क्या कहा जाता है और उसको क्या कहेंगे। इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है C, पहला आता है वेब सर्वर, दूसरा आता है एप्लीकेशन सर्वर और तीसरा आता है डेटाबेस सर्वर और D आता है FTP। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है C, डेटाबेस सर्वर इसको कहा जाएगा। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के कंप्यूटर के MCQs। अगर हम बात करें दोस्तों 6 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, फुल फॉर्म ऑफ URL इज़,
जो URL है इसको क्या कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। पहला आता है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लिंक, यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक, यूनिफाइड रिसोर्सेज लिंक। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दोस्तों हम 7 नंबर पे क्वेश्चन की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। जो आप लोगों का कंप्यूटर है आपका जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है और उसको क्या कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, इसको कहेंगे आप बिनरी, इसका राइट आंसर है। और अगर हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्वेश्चन आता है डॉक्यूमेंट्स मूवीज इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स ETC आर स्टोर्ड एट ए। जो आपके डॉक्यूमेंट्स फाइलें हैं, मूवीज़ हैं, पिक्चर हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो जो स्टोर्ड होते हैं उसको कहाँ स्टोर्ड होते हैं, उसको कहाँ कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी। पहला आता है एप्लीकेशन सर्वर कहा जाएगा, या वेब सर्वर कहा जाएगा, या प्रिंट सर्वर कहा जाएगा, या फाइल सर्वर। फाइल सर्वर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, इसको फाइल सर्वर कहा जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें 9वें नंबर पे जो क्वेश्चन आता है, 9th क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ, ब्लूटूथ के फाउंडर कौन थे, उसका नाम क्या है, ए एरिक्सन, इसका राइट आंसर है दोस्तों। आपके सामने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आपने अच्छे तरीके से रीड करना है। इसी टाइप के आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन आएंगे जो आपने लाजमन रीड करने दोस्तों। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सीरीज वाइज वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों की हेल्प और भी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, हु वॉज द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के फादर किनको कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो है बी विंटर, इसका जो राइट आंसर है वो है बी। दोस्तों उम्मीद करूंगा ये टॉप क्लास MCQs आप लोगों को पसंद आएंगे। और दोस्तों इंशाल्लाह अगर आप लोग चाहते हो मैं इस तरह की मजीद वीडियोज़ बनाऊँ आप लोगों की हेल्प के लिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसके अंदर हम MS Excel, MS PowerPoint और MS Word को लाजमी डिफाइन करें, क्योंकि ये क्वेश्चन लोग काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हैं कि वो बोल रहे हैं कि सर हमें आप तैयारी करवाओ। तो दोस्तों इंशाल्लाह जिन लोगों ने ये मेरी बुक को बाई किया है वहाँ पे मैं उनको जो 30 दिन का सपोर्ट प्रोग्राम दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको ये सब चीज़ ऑनलाइन सिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह रिटन टेस्ट को पास करना है, इसकी टाइपिंग टेस्ट, कुछ ऐसे टॉप सीक्रेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ वहाँ पर शेयर भी कर सकता हूँ। दोस्तों सब चीज़ें सीक्रेट्स होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें वीडियोज़ की दोस्तों इंशाल्लाह वीडियो आती रहेंगी। अगर आप लोग परेशान हो और आप लोग इस बुक की तैयारी करना चाहते हो, इस बुक से या इस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो, तो आप इस बुक से उसकी इजीली तैयारी कर सकते हैं। इस बुक को बाय करने का सिंपल तरीका है, इसके अगर जो प्राइस की बात करें वो 999 रुपीज़ रखी गई है सिर्फ और सिर्फ, ये बहुत कॉस्टली रखी गई है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर आपके डिलीवरी चार्जेस, आपके फ्यूल चार्जेस, आपके M&P चार्जेस, सिर्फ 999 रुपीज़ के अंदर ये बुक आपको आपके घर पर विथ फ्री होम डिलीवरी मिलेगी। और इसके साथ आपको फ्री दिया जा रहा है 30 दिन का सपोर्ट प्रोग्राम जिसके थ्रू मैं आप लोगों की खुद हेल्प करूंगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों इस बुक को मंगवाने का सिंपल सा तरीका है, जस्ट आप लोगों ने अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना सिटी का नाम, अपना मोबाइल नंबर आप हमें भेज दें इसी नंबर पर 03002777 पे। तो हो मैं याद, अल्लाह हाफिज़।